कई बार भक्तों की ऐसी आदत होती है कि देवी देवताओं को जो फूल वो चढ़ाना चाहते हैं उसे तोड़कर एक लोटे के जल में या किसी अन्य पात्र में जहाँ जल हो वहाँ पर रख लेते हैं और वो फूल फिर भगवान को अर्पित करते हैं। इसके अलावा कई भक्त पेड़ पौधों से भी फूल तोड़ लेते हैं और उन्हें पानी से धो लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, यह शास्त्र के अनुसार सही नहीं है। दरअसल पानी में भगवान विष्णु का वास होता है। शास्त्र के अनुसार सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु भी जल में ही विराजित होते हैं। आदिपुरुष विष्णु का निवास आयन नाग यानी जल है, इसी के कारण भगवान विष्णु को नारायण नाम से भी जाना जाता है। इसी कारण अगर आप फूल को जल में धो लेंगे या जल में डाल देंगे तो वह विष्णु को चढ़ जाएगा और फिर वही पुष्प आप किसी अन्य भगवान जैसे शिव जी को नहीं चढ़ा सकते। आप एक देवता पर चढ़ा हुआ फूल दूसरे देवता को चढ़ाएंगे तो यह स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए कभी भी फूल को जल में डालकर या जल से धोकर देवी देवताओं को ना चढ़ाएं। आप सीधे उसे तोड़कर भगवान को अर्पित कर सकते हैं, भगवान उसे अवश्य स्वीकार।